अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मी एंड माय वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए कतर प्रोडक्शंस के ड्रामा उमर सीरीज़ की किस्त नंबर 14 का उर्दू तर्जुमे के साथ ओवरव्यू लेकर आई हूँ। ड्रामे की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, शुक्रिया। इस किस्त का आगाज साद इब्ने अबी वकास से होता है, जो काब के किले के बाहर आते हैं। सब मिलकर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। काब के सिपाही भी किले पर चढ़ जाते हैं। साद फरमाते हैं, करीजा के लोगों, हम यहाँ पर तुम्हारे साथ रहेंगे और देखेंगे कि तुम क्या करते हो। और सब मिलकर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। सर्दी का मौसम होता है, सब लोग सर्दी से थर थर कांप रहे होते हैं। एक तरफ मुसलमानों की फौज खंदक के किनारे चुकन्नी बैठी होती है, दूसरी तरफ मुशरिकीन के लोग खड़े होते हैं। मुशरिकीन की तरफ से कुछ लोग खंदक को पार करने की कोशिश करते हैं। साद बिन माज दूसरे सिपाहियों को कहते हैं, जल्दी करो, ये लोग खंदक तक ना पहुंच जाएं। और फिर वो तीर और नेजे फेंकते हैं। इतने में एक दुश्मन इन पर तीर फेंकता है और वो तीर उनके हाथ में लगता है, जो उनकी नस को काट देता है। दुश्मन कहता है कि ये मेरी तरफ से है, मैं इब्ने अल अरका हूँ। साद कहते हैं, खुदा करे तुम्हारा माथा दोजख में जले। वो तीर को निकालते हैं तो खून का फव्वारा जारी हो जाता है। फिर साद आसमान की तरफ मुंह करके अल्लाह से दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह, कुरैश से अभी जंग होना बाकी है, तू मुझे जिंदा रख। हजरत साद को खेमे में ले जाया जाता है ताकि उनकी देखभाल की जा सके। वो शख्स कहता है, रसूल अल्लाह को साद से ज्यादा कोई प्यारा नहीं, उन्होंने इसे तुम्हारे हवाले किया है, पूरी कोशिश करना। रुफैदा कहती है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि ये ठीक हो जाएं। इस मंजर में दुश्मनों ने मौके को गनीमत जाना और जिस तरफ से खंदक की खुदाई की चौड़ाई कम थी हमला करना चाहा। अबू जहल का बेटा अकरमा और अमर ने खंदक पार कर ली। हजरत अली भी घोड़े पर बैठकर उनके सामने आ जाते हैं। अमर कहता है, कौन मुकाबला करने आएगा? अली फरमाते हैं, ए अमर, तुमने खुदा से अहद किया था कि अगर कुरैश का कोई भी आदमी तुम्हें दो मौके देगा तो तुम एक का इंतखाब करोगे। अमर कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अली फरमाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि खुदा, रसूल और इस्लाम पर ईमान ले आओ। अमर कहता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं। अली फरमाते हैं, तो फिर मैं तुमसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। अमर कहता है, क्यों मेरे भतीजे, खुदा की कसम मैं तुम्हें कत्ल नहीं कर सकता और ना ही मैं ऐसा चाहता हूँ। अली फरमाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। ये कहकर अली घोड़े से उतरते हैं और तलवार अपनी नियाम से निकालते हैं। अमर भी तलवार निकाल कर आगे बढ़ता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अली उस पर वार करते हैं तो उसकी तलवार गिर जाती है। वो अली से इल्तजा करता है, अली वार रोक कर वापस मुड़ते हैं। वो पलट कर पीछे से वार करना चाहता है कि अली मुड़ कर उस पर वार कर देते हैं और वो जमीन में खून में लथपथ पड़ा होता है। उमर और अबू बकर ये देख कर बहुत खुश होते हैं और फिर अली अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हैं। अकरमा ये देख कर वापस जाने का इशारा करता है और सब लोग बहुत खुशी मनाते हैं। इस मंजर में नईम इब्ने मसूद उमर के पास आते हैं। उमर उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो? वो कहते हैं, मैं गुतफान कबीले से हूँ, नईम इब्ने मसूद। उमर गुस्से में कहते हैं, तुम यहाँ क्या करने आए हो जबकि तुम्हारे लोग हमारे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं? नईम कहता है, क्या तुम उमर इब्ने अल खिताब नहीं हो? तुम मुझे खुदा के रसूल के पास ले जाओ। उमर, तुमने क्या कहा? क्या तुम मुसलमान हो? तो वो हाँ में सर हिलाता है। उमर नईम को मोहम्मद के पास ले जाते हैं और कहते हैं, खुदा के रसूल, मैं मुसलमान हूँ लेकिन मेरे लोग ये नहीं जानते, हुक्म दे, मुझे उम्मीद है कि खुदा मेरे लिए कुछ बेहतर करेगा। नईम इब्ने मसूद करीजा के सरदार काब के पास आते हैं और कहते हैं, तुम लोग जानते हो मैं तुम लोगों से सच में मोहब्बत करता हूँ और तुम लोगों का दोस्त हूँ। काब कहता है कि हाँ, तुम्हारी दोस्ती में कोई शुबा नहीं। नईम, तुम्हारी दोस्ती की वजह से मैं तुम लोगों को एक अच्छी नसीहत करना चाहता हूँ, चाहे वो मेरे अपने ही लोगों के खिलाफ ही क्यों ना हो। कुरैश और गुतफान तुम्हारे जैसे हालात में नहीं है, ये शहर तुम्हारा है, तुम लोग कहीं और नहीं जा सकते। कुरैश और मोहम्मद और उसके घर और असहाबा पर हमला करने आए हैं और अब तुम लोग उनका साथ दे रहे हो, लेकिन उनका घर, उनका माल सब कहीं और है और अगर उनके पास फतह करने का मौका हुआ तो वो उसमें यकीनन नाकाम नहीं होंगे, लेकिन अगर हालात उनके खिलाफ हो गए तो वो फौरन अपना रास्ता बदल लेंगे और तुम्हें यहाँ पर तन्हा छोड़ देंगे। और अगर तुम लोगों ने मोहम्मद का अकेले मुकाबला किया तो तुम लोग उनके मुकाबले नहीं आ पाओगे। मेरी नसीहत ये है कि तुम लोग कुरैश का साथ ना दो जब तक तुमको इस बात पर यकीन
यकीन ना हो जाए कि वो मोहम्मद को हरा देंगे। काब सर हिलाते हुए कहता है, तुम्हारी नसीहत वाकई में अच्छी है नईम। इस मंजर में नईम इब्ने मसूद कुरैश कबीले के पास आता है और कहता है, तुम लोग जानते हो मैं तुम लोगों का दोस्त हूँ और मोहम्मद पर ईमान नहीं लाता। मैं यहाँ पर कुछ बताने के लिए आया हूँ जो मैंने महसूस किया और चाहा कि तुम लोगों को भी बता दूँ, लेकिन किसी को बताना नहीं कि मैंने तुम लोगों को आगाह किया है। अबू सुफयान कहता है, हम तुमसे वादा करते हैं नईम। नईम कहता है, मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यहूदी ने मोहम्मद से मोहदे की खिलाफ वर्जी करने पर तौबा कर ली है। उन्होंने वादा किया है कि वो तुम्हारे खिलाफ उनका साथ देंगे और मोहम्मद ने ये पेशकश कबूल कर ली है। अकरमा काब के पास आता है और कहता है, अब हम इस हालत में नहीं है कि और ज्यादा दिन ठहर सकें। हम इस मुहासरे को खत्म करना चाहते हैं। चलो मिलकर मोहम्मद पर हमला करें और उन सबको खत्म कर दें। काब कहता है, ये हमारे सबत का दिन है, इस दिन हम कुछ नहीं करते। और एक बात और, हम मोहम्मद से तुम्हारी तरफ से लड़ाई नहीं कर सकते, हत्ता कि तुम लोग कुछ आदमी हमारे पास अमानतन ना रखवा दो। हम सब मिलकर मोहम्मद से आखिर तक लड़ेंगे। हमें डर है कि अगर ये लड़ाई तुम्हारे हक में ना गई तो तुम लोग अपने घरों को वापस चले जाओगे, हमें मोहम्मद के रहमो करम पर छोड़कर। जो लोग जमानत के तौर पर तुम हमारे पास रखवाओगे, यकीनन तुम उनको छोड़कर नहीं जा सकोगे। ये सुनकर अकरमा चला जाता है और बाहर आकर अपने आदमियों को कहता है कि नईम की बात सच्ची थी। अल्लाह की कसम, हम अपना कोई आदमी उसे जमानतन नहीं देंगे। दूसरी तरफ काब अपने आदमियों को कहता है, अब हम जान गए कि नईम इब्ने मसूद की बात सच्ची थी। खुदा की कसम, हम तब तक उनके साथ न लड़ेंगे जब तक वो हमें जमानत न दें। इस मंजर में अबू सुफयान अपने लोगों के पास आता है और कहता है, तुम लोग समझ गए हो, हम यहाँ और नहीं ठहर सकते। हमारे घोड़े और ऊंट तबाह हो चुके हैं और करीजा ने भी अपना वादा पूरा नहीं किया, और तुम लोग देख रहे हो ये तेज हवाएं भी हमारे लिए चल रही हैं, और यहाँ हम खा पी भी नहीं सकते और ना ही आग जला सकते हैं। मेरी नसीहत है कि घर वापस चलो जहाँ मैं जा रहा हूँ। इस मंजर में एक शख्स आकर कहता है, खुदा के रसूल, दुश्मन जा रहे हैं। और तमाम मुसलमान खुशी से झूमने लगते हैं। हुए काब के पास आता है। काब कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं खुद को इल्जाम देता हूँ। हुए कहता है, मैंने तुमसे अहद किया था कि अगर इतिहादी वापस चले गए मोहम्मद को हराए बगैर, तब मैं तुम्हारे पास तुम्हारे किले में रहूंगा, इसलिए मैं तुम्हारी तकदीर को बांटने आया हूँ, इसलिए मैं यहाँ हूँ। काब कहता है, मुझे इससे क्या फायदा होगा कि अगर तुम मेरे लिए मर भी जाओ। साद इब्ने माज की तबीयत अभी तक नहीं संभलती। उमर उनके पास बैठकर उनको कहते हैं, खुदा तुम्हें सेहत दे। साद फरमाते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं शहीद हूँ। मैंने खुदा से दुआ की थी कि अगर कुरैश के साथ लड़ाई रही तो मुझे जिंदा रखना, लेकिन अगर वो कहते हैं कि जंग खत्म हो गई तो अल्लाह मुझे शहादत अता फरमाए। मैंने खुदा के रसूल को ये कहते सुना था कि अब जंग ना होगी। मैं जानता हूँ इस्लाम की जीत होगी, ये काफिर और बहुत से नुकसान देखेंगे। मैं दुआ करता हूँ खुदा मेरी दुआओं का जवाब दे। ये कहकर सात शहीद हो जाते हैं। हजरत अबू बकर और हजरत उमर उठते हैं और बाहर आते हैं और कहते हैं, खुदा साद इब्ने मास को अपनी रहमतें अता करे, उसने एक अहद पूरा किया और खुदा के फराइज से सुबक दोष हो गया। हमें यकीन है खुदा इसे शहीदों में शामिल करेगा। हमारे पास जो भी है खुदा की वजह से है। इस मंजर में अमर बिन अल आस खालिद बिन वलीद से पूछता है कि अब क्या। खालिद कहता है, कोई चीज है जो तुम्हें सुबह से परेशान कर रही है, लेकिन तुम उसे बयान नहीं कर पा रहे। अमर कहता है, हालात को मेरे लफ्जों की जरूरत नहीं। खालिद कहता है, लोग चले गए या तो मर गए या फिर मोहम्मद और उसके असहाबा में शामिल हो रहे हैं। अमर कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे कल ही की बात हो, हम यहाँ बैठते थे और हमारे बड़े अंदर बहस करते थे मोहम्मद और उसके नए मजहब के बारे में और कहते थे कि उन्हें कैसे कत्ल किया जाए। खालिद कहता है, ये कल गुजरे 19 साल हो गए। अमर कहता है, मौजूदा सूरत हाल लंबे अरसे तक नहीं चलेगी, ये कुदरत का निजाम है। अगर हम इन्हें रोक नहीं पाए कि वो दूसरों से बात करें तो फिर दो रास्ते हो सकते हैं, या तो फिर अरब उसको हरा दे या फिर वो जीत जाए। सब लोग इकट्ठे हो जाएं, ये सब लोग अलग होकर उसके ईमान में दाखिल हो जाएं। अगर ये हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि तुम देखो उन्हें और उनके असहाबा को काबे का तवाफ करते, वहाँ जहाँ पर कोई भी बुत ना हो। खालिद कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो। अमर कहता है, हिजरत। खालिद कहता है, क्या तुम मोहम्मद के साथ शामिल होगे। अमर कहता है, नहीं, मैं कुरैश और अरब से दूर जाना चाहता हूँ। खालिद कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो। अमर कहता है, मोहम्मद, कुरैश और अरब में जो कुछ भी हो, मैं उससे कतई ताल्लुक ही रखना चाहता हूँ जब तक कि ये मामला हल ना हो जाए, और हिजरत कर जाता है। इस मंजर में अबू सुफयान कहता है, अमर ने बहुत बुरा किया तब जबकि उसके लोगों को उसकी सख्त जरूरत थी, उसने हमें तर्क कर दिया। अकरमा कहता है, वो कमजोर था, बुजदली का मुजाहरा किया। जैसे ही उसने देखा कि मोहम्मद ताकतवर हो रहे हैं, उसने महसूस कर लिया कि कहीं मोहम्मद हम पर हमला ना कर दें, और उसने हिजरत कर ली। खालिद बिन वलीद कहते हैं, अपने दोस्त के बारे में उसकी गैर मौजूदगी में बुरी बात मत कहो। अकरमा कहता है, वो मेरा दोस्त नहीं है,
आदमी को तभी पहचाना जाता है जब वो उसके मुश्किल वक्त में काम आए। खालिद कहता है, मैंने कभी भी उसको बुजदिल नहीं जाना, बल्कि तुम लोग जानते हो उसके पास वजह थी। अबू सुफियान कहता है, मुझे इसकी कोई वजह नजर नहीं आ रही, ये वैसा ही है जैसा कि अकरमा ने कहा, वो हमसे जानना चाहता था कि जब वो हमसे दूर रहा तो हमने कैसे मोहम्मद का मुकाबला किया। अगर हम जीतते तो वो हमारे पास आ जाता और कहता, मैं तुम लोगों का दोस्त हूँ, लेकिन मोहम्मद जीत गए तो उसने हिजरत कर ली। इसके साथ ही इस किस्त का इख्तिताम होता है। आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगली किस्त तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।